brought to you by ITIL. बहुत पहले की बात है, ईरान से पाकिस्तान होते हुए हिंदुस्तान तक एक पाइपलाइन बिछाने का प्लान बना। ये प्लान मुकम्मल हो जाता तो ईरान से हिंदुस्तान तक जहाज दौड़ाने की जरूरत नहीं पड़ती, हिंदुस्तान के साथ साथ पाकिस्तान को भी सस्ती गैस मिलती। प्लान अच्छा था लेकिन साकार नहीं हो पाया। लोगों ने अमेरिका का नाम लिया, लेकिन जिन थ्योरीज में अमेरिका के हाथ का जिक्र आ जाए वो साबित कहाँ हो पाती हैं। खैर, भारत ने प्रोजेक्ट से खुद को अलग कर लिया। तकरीबन डेढ़ दशक बाद भारत का ये फैसला पाकिस्तान को ऐसा महंगा पड़ने जा रहा है कि उसे पूरे 1.5 लाख करोड़ की चपत लग सकती है, वो भी ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान बेहद खराब वित्तीय स्थिति में है। तो आज हम जानेंगे कि कैसे एक अधूरी पाइपलाइन ने ईरान और पाकिस्तान के बीच संबंध इतने खराब किए कि दोनों देश एक तीसरे देश में बनी अदालत में उलझने को हैं। नमस्ते, मेरा नाम सोनल है और आप देखना शुरू कर चुके हैं ललन ड्रॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी, जहां आज चर्चा ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन की। पाकिस्तान में दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी आबादी बस्ती है। कुल 23 करोड़ लोग वहां रहते हैं जिन्हें भारी मात्रा में नेचुरल गैस की जरूरत पड़ती है। खाना बनाने से लेकर गीजर में पानी गर्म करने और इंडस्ट्री तक में पाकिस्तान के बलूचिस्तान में गैस का भंडार है, लेकिन इतने नहीं कि पाकिस्तान अपनी घरेलू जरूरत पूरी कर सके। फिर बलूचिस्तान इन दिनों उग्रवाद से भी ग्रस्त है। जानकार कहते हैं कि अगले एक दशक में पाकिस्तान के ज्ञात गैस भंडार लगभग खत्म हो जाएंगे। 2023 में पाकिस्तान ने रोजाना लगभग 3.8 बिलियन क्यूबिक फीट गैस का उत्पादन किया था। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट कहती है कि आने वाले 5 सालों में पाकिस्तान में इस गैस की खपत 3 गुनी हो जाएगी। तो पाकिस्तान के पास सिर्फ एक रास्ता बचता है, गैस इम्पोर्ट करना। अभी वो ईरान, इराक, कतर, नाइजीरिया, यूएई, कुवैत, सऊदी अरब से गैस खरीदता है। ये लिस्ट वक्त के साथ घटती बढ़ती रहती है, जैसे 2023 में उसने रूस से भी गैस खरीदी थी। अब यहाँ एक समस्या है, गैस को जहाज पर लाद कर लाना एक महंगा सौदा है। रूस, नाइजीरिया, यूएई, इराक वगैरह पाकिस्तान से इतने दूर है कि वहाँ से पाकिस्तान तक जहाज तैरा कर लाने में करोड़ों डॉलर खर्च हो जाते हैं। गैस का दाम है सो अलग। इस समस्या का समाधान यही है कि पाकिस्तान किसी गैस रिच मुल्क से अपने यहाँ तक एक पाइपलाइन बिछा ले, तो पाकिस्तान चोरी छिपे ईरान से गैस लेता है। ईरान हर साल पाकिस्तान को अवैध रूप से लगभग 8,000 करोड़ रुपए की गैस बेचता है। इसके अलावा ईरान से पाकिस्तान को तेल भी स्मगल किया जाता है, लेकिन उस पर बात कभी और। आज गैस की बात चल रही है तो गैस पर ही रहते हैं। गैस पाइपलाइन डल जाने से पाकिस्तान को एक भरोसेमंद और सस्ती सप्लाई मिल जाएगी। उसे एक बार पैसा इन्वेस्ट करना है, इसके बाद गैस ही गैस और वो भी कौड़ियों के मूल। तो पाकिस्तान ने लगभग एक दशक पहले ईरान से समझौता किया। तय हुआ कि 2,775 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बनेगी, दोनों देश को इससे जोड़ा जाएगा। ईरान सस्ते दाम में गैस पाकिस्तान को भेजेगा, इससे पाकिस्तान के एनर्जी क्राइसिस का हल निकल जाएगा। इस पाइपलाइन को बनाने का सबसे पहले आइडिया मलिक आफताब अहमद खान नाम के पाकिस्तानी इंजीनियर ने दिया। उन्होंने इस पर एक लेख लिखा, ये लेख मिलिट्री कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग रिसालपुर ने छापा, तब इसकी चर्चा हुई, लेकिन ये आइडिया आगे नहीं बढ़ सका। 1995 में पहली बार पाकिस्तान और ईरान की सरकार के बीच इस पर बात शुरू हुई। इसी साल ईरान ने इस पाइपलाइन प्रोजेक्ट के लिए भारत को भी अप्रोच किया, कहा कि इस पाइपलाइन को आगे बढ़ाकर पाकिस्तान और भारत को भी जोड़ा जा सकता है। भारत ने भी इसमें रुचि दिखाई। फरवरी 1999 में भारत और ईरान के बीच भी इस प्रोजेक्ट को लेकर एक डील साइन हुई। फरवरी 2007 में बात यहाँ तक पहुँच गई कि ईरान से गैस किस दाम में खरीदी जाएगी। भारत और पाकिस्तान ने इस पर ईरान से बात की। अप्रैल 2008 में ईरान ने इस प्रोजेक्ट में चीन और बांग्लादेश को भी शामिल होने के लिए आमंत्रित किया, लेकिन बात नहीं बनी। फिर आई 1 अक्टूबर 2008 की तारीख। इस रोज़ भारत और अमेरिका के बीच सिविलियन न्यूक्लियर डील साइन हुई। क्या थी ये डील? इस डील के तहत भारत ने अपने मिलिट्री और सिविलियन न्यूक्लियर प्रोग्राम को अलग किया और साथ ही अपने सिविलियन न्यूक्लियर प्रोग्राम को इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA के तहत लाने की भी बात कही। बदले में अमेरिका ने भारत के न्यूक्लियर प्लांट के लिए ईंधन और उसे डेवलप करने के लिए नई तकनीक देने का वादा किया। इस समझौते के बाद भारत ने ईरान वाले गैस पाइप प्रोजेक्ट से अपने हाथ
पीछे खींच लिए। भारत ने कहा कि हम गैस की कीमत और सुरक्षा कारणों से ऐसा कर रहे हैं। कहा गया कि पाइपलाइन का जो हिस्सा पाकिस्तान से गुजरता है उसकी सुरक्षा की गारंटी नहीं है, लेकिन जानकार कहते हैं कि इसके पीछे अमेरिका का दबाव था। अगर ईरान भारत को भी सीधे गैस बेचने लगता तो उसे मोटा मुनाफा होता। ये अमेरिका के लिए चिंता की बात थी। भारत के अलग होने के बाद इस प्रोजेक्ट के बुरे दिन शुरू हो गए। शुरुआत में पाकिस्तान ने कहा कि भारत को अलग होना है तो हो जाए, वो अपने हिस्से की पाइपलाइन बिछा कर रहेगा। पाकिस्तान और ईरान के बीच इस पर बात चली भी। मार्च 2013 में पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी और ईरान के तत्कालीन राष्ट्रपति महमूद अहमदी नेजाद एक समारोह में शामिल हुए और काम शुरू किया गया। जब ये सब हो रहा था तब तक ईरान ने अपनी तरफ की पाइपलाइन का कुछ हिस्सा बना लिया था, लेकिन पाकिस्तान में दो दो राष्ट्राध्यक्षों की मौजूदगी में जो काम शुरू हुआ था वो धीमा पड़ा रहा। 27 मई 2013 को ईरान के डिप्यूटी मिनिस्टर फॉर पेट्रोलियम ए खलीदी ने पाकिस्तान की सरकार को चिट्ठी लिखी। चिट्ठी में उन्होंने पाइपलाइन के धीमे काम पर चिंता व्यक्त की। पाकिस्तान का रवैया इतना सुस्त था कि उसके पाइपलाइन प्रोजेक्ट से अलग होने की अफवाह उड़ गई। जून 2013 में पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने ईरानी सरकार को चिट्ठी का जवाब दिया। कहा कि पाकिस्तान पूरी प्रतिबद्धता के साथ इस प्रोजेक्ट को पूरा करेगा। नवाज शरीफ ने तो कह डाला कि दिसंबर 2014 तक हम इसमें मतलब इस पाइपलाइन से गैस लेने भी लगेंगे। 2014 को बीते एक दशक हो चुका है, लेकिन आज तक पाकिस्तान ने अपनी तरफ की पाइपलाइन पूरी नहीं की है, जबकि ईरान अपनी तरफ की 1150 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बनाकर बैठा हुआ है। ईरान ने इसके लिए 16000 करोड़ रुपए से ज़्यादा खर्च किए हैं। ईरान ने कहा कि अगर पाकिस्तान इस प्रोजेक्ट को पूरा नहीं करता है तो वो उसे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में घसीटेगा। जानकार कहते हैं कि अगर इस अदालत में फैसला पाकिस्तान के खिलाफ आया तो उस पर $18 बिलियन यानी लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए का जुर्माना लग सकता है। 2019 में इसी अदालत में पाकिस्तान पर 50,000 करोड़ का जुर्माना लगा था। आप पूछेंगे क्यों? क्योंकि पाकिस्तान का ऑस्ट्रेलिया की एक माइनिंग कंपनी के साथ ऐसा ही रवैया था। पाकिस्तान ने उस कंपनी के साथ अपने यहाँ की सोने की खदान में माइनिंग का एक समझौता किया, फिर कई साल बात टालने के बाद उन्हें लाइसेंस नहीं दिया। इससे कंपनी को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। वो आर्बिट्रेशन कोर्ट चली गई। 2019 में कोर्ट ने पाकिस्तान पर जुर्माना लगा दिया। अगर ईरान भी अपना केस आर्बिट्रेशन कोर्ट लेकर चला गया तो दोनों देशों के रिश्ते फिर एक बार खराब हो सकते हैं। पिछले कुछ महीने में ऐसा हो चुका है। एक बार तो जंग छिड़ने की नौबत तक आ गई थी। दोनों देशों के रिश्ते में क्या उतार चढ़ाव आया ब्रीफ में जानते हैं। पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को बना था भारत से अलग होकर। उसी रोज ईरान ने पाकिस्तान को मान्यता दे दी थी। 1965 के युद्ध में पाकिस्तान के फाइटर जेट्स बचने के लिए ईरान भाग जाते थे। वहाँ उन्हें शरण भी मिलती थी और ईरान उन जेट्स में ईंधन भी भरता था। रेजा शाह पहलवी के शासनकाल में ईरान पाकिस्तान का सबसे बड़ा डोनर था। 1979 में ईरान में इस्लामी क्रांति हुई, शाह की कुर्सी चली गई, फिर इस्लामी रिपब्लिक की स्थापना हुई। पाकिस्तान मान्यता देने में आगे रहा। फिर 1980 में ईरान इराक जंग शुरू हुई, तब पाकिस्तान ने ईरान का साथ दिया। इसी समय अफगानिस्तान में सोवियत संघ घुसा, मुजाहिदीनों ने जंग शुरू की, उन्हें पाकिस्तान का साथ मिला। पैसा अमेरिका, सऊदी अरब और दूसरे सुन्नी इस्लामी देशों से आया। मुजाहिदीनों की मदद ईरान ने भी की, मगर ताजिक मूल के लोगों की। 1980 के दशक बीतते बीतते ईरान इराक युद्ध खत्म हो गया, सोवियत संघ को भी अफगानिस्तान से निकलना पड़ा। फिर अफगानिस्तान में एक नई लड़ाई की शुरुआत हुई। मुजाहिदीन आपस में लड़ने लगे। पाकिस्तान ने उनको साधने की कोशिश की। वो अफगानिस्तान में किंग मेकर की भूमिका हासिल करना चाहता था। बात नहीं बनी तो तालिबान बनाने में मदद की। 1996 में तालिबान ने काबुल पर कब्जा कर लिया। तालिबान सुन्नी इस्लामी गुट है। उसने शिया मुस्लिमों को निशाना बनाना शुरू किया। इससे ईरान नाराज हुआ। उसने अहमद शाह मसूद के नॉर्दर्न अलायंस को सपोर्ट किया। मसूद को भारत का भी साथ मिला। 11 सितंबर 2001 की तारीख आई, अमेरिका पर आतंकी हमला हुआ। अमेरिका ने अफगानिस्तान में वॉर ऑन टेरर शुरू किया, तालिबान को सत्ता से हटा दिया। इसमें पाकिस्तान भी शामिल हुआ था। उसको खुद को तालिबान से अलग दिखाना पड़ा। इस घटनाक्रम ने ईरान, पाकिस्तान और अमेरिका को एक कतार मिला दिया। कुछ समय तक ईरान ने वॉर ऑन टेरर को भी सपोर्ट किया, मगर अमेरिका के साथ उसकी पुरानी रंजिश भारी पड़ी। ईरान अलग हो गया। अगस्त 2021 में तालिबान की सत्ता में वापसी हुई। उसने दावा किया कि अपनी ज़मीन का इस्तेमाल वो आतंकी गतिविधियों के लिए नहीं होने देगा। इस बार भी तालिबान को पाकिस्तान का साथ मिला, मगर ये उसकी भूल थी। मसलन तालिबान ने तहरीके तालिबान पाकिस्तान TTP के लीडर्स को शरण दी। तालिबान की वापसी का असर
ईरान पर भी पड़ा। अफगानिस्तान के साथ उसकी 972 किलोमीटर लंबी सीमा है। ईरान के चरमपंथी संगठनों को अफगानिस्तान में सुरक्षित पनाह मिल रही है। वे अफगानिस्तान की ज़मीन का इस्तेमाल लॉन्चिंग पैड की तरह करते हैं। इसको लेकर कई बार झड़प हो चुकी है। इसमें कई ईरानी सैनिकों और तालिबानी लड़ाकों की मौत भी हुई है। ईरान और पाकिस्तान एक दूसरे पर आतंकियों को पनाह देने के आरोप भी लगाते रहे हैं। इसकी बड़ी वजह है बलोच आबादी, जो दोनों देशों में है। पाकिस्तान में बलूचिस्तान प्रांत और ईरान के सिस्तान बलूचिस्तान में। पाकिस्तान वाले हिस्से में बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट BLA, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, बलूचिस्तान नेशनलिस्ट आर्मी और बलोच रिपब्लिकन आर्मी जैसे गुट एक्टिव हैं। पाकिस्तान का आरोप है कि उन्हें ईरान से पैसा और सपोर्ट मिलता है। ईरान वाले हिस्से में जंदुल्ला और जैश अल अदल जैसे गुट काम करते हैं। ईरान का आरोप है कि उनको पाकिस्तान का साथ मिलता है। जनवरी 2024 में दोनों देशों ने एक दूसरे पर मिसाइल से हमले किए थे। दोनों ने कहा था कि हमने आतंकियों के अड्डे पर हमले किए हैं, पर दोनों ही साइड आम नागरिकों की मौत भी हुई थी। अप्रैल 2024 में ईरान के तत्कालीन राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी पाकिस्तान गए थे। इस दौरे से दोनों देशों ने फिर दोस्ती करने की कोशिश की। हमने ईरान और पाकिस्तान गैस पाइपलाइन वाले मामले को और विस्तार से समझने के लिए वेस्ट एशिया मामलों के जानकार कमर आगा से संपर्क किया। हमने उनसे पूछा कि पाकिस्तान इस प्रोजेक्ट को पूरा क्यों नहीं कर पा रहा है। ये कई कारण हैं। एक तो उनकी इकोनॉमिक कंडीशन बहुत खराब है, हम सब जानते हैं। दूसरी बात ये कि उनको कोई लोन देने पे नहीं तैयार होगा। ये मेगा प्रोजेक्ट है, इसमें कई बिलियन डॉलर के प्रोजेक्ट होते हैं। कोई भी इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या बड़ा बैंक इसकी फंडिंग के लिए तैयार नहीं है। अरब देश भी नहीं पैसा लगाएंगे क्योंकि ईरान का मामला है, कंपटीटर है उनका। हालांकि उनके अच्छे सऊदी अरेबिया, कतर वगैरह से अच्छे रिलेशन है, मगर वो क्यों लगाएंगे इस प्रोजेक्ट में। तो इसी सबसे बड़ा कारण जो है वो मुझको यही लगता है कि इसका मतलब कोई फ्यूचर नजर नहीं आता। शुरू में ये सोचा जा रहा था कि शायद चाइना इसमें इंटरेस्टेड हो। चाइना सोच रहा था कि ये अगर पाइपलाइन आएगी तो वो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर से इसको लेके चल जाएंगे। इकोनॉमिक कॉरिडोर के मतलब ये होता है कि रेल रोड, पोर्ट, एयरपोर्ट कनेक्टिविटी, फिर उसके बाद ये साइबर कनेक्टिविटी एंड गैस एंड ऑयल पाइपलाइन कनेक्टिविटी। अब पाकिस्तान की इंटरनल कंडीशन इतनी खराब है कि कोई सिक्योरिटी नहीं है। अगर चाइना आता है तो ये बॉर्डर वहां से होता हुआ आएगा, क्या कहते हैं, बलूचिस्तान से। बलूचिस्तान में ऐसे ही चाइनीज प्रोजेक्ट पे बहुत अटैक हो रहा है। तो सेना तो इसको प्रोटेक्ट कर नहीं सकती, इतनी लंबा इतना मीलों का प्रोजेक्ट होता है लॉन्ग। तो चाइना भी इंटरेस्ट नहीं ले रहा है। चाइना ने वैसे भी अपना डायरेक्ट कई जगहों से, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक वगैरह से उसने डायरेक्ट पाइपलाइन कनेक्टिविटी बनाई है, मगर यह उनको जरूरत है। अगर मैं समझता हूँ कि अमन शांति होती पाकिस्तान, तो फेल्ड स्टेट है, उसमें कौन पैसा वहां पे लगाएगा इस समय। भारत ने 2009 में इस प्रोजेक्ट से अपने हाथ पीछे खींच लिए थे। भारत तब अंडरवाटर पाइपलाइन की संभावनाओं को तलाश रहा है। क्या भविष्य में ऐसा हो सकता है कि भारत और ईरान अलग से कोई गैस पाइपलाइन बनाएं? एक ही जरिया है दोनों का। माई कनेक्टिविटी पाकिस्तान के थ्रू थी अफगानिस्तान से की तरफ से ईरान जा सकते थे, या सीधा पाकिस्तान से बलूचिस्तान होते हुए। रेल भी कनेक्टिविटी थी पहले सन 1964 तक, लेकिन ये कि अब तो सब वो कनेक्टिविटी बंद हो गई। तो बस एक ही तरीका है कि अंडर सी इस पाइपलाइन को लाया जाए। और एक जमाने में मुझे याद पड़ता है ये भी बात हो रही थी कि ओमान से भी इसको जोड़ा जाए। इस तरह के प्रोजेक्ट है, मगर क्योंकि ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगे हुए हैं, इसलिए कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट ईरान के साथ इस समय इम्प्लीमेंट करना उसके लिए मुश्किल होता है, होगी भारत के लिए। भारत जो है सेकेंडरी सैंक्शंस की वजह से कोई भी देश उनसे व्यापार नहीं कर रहा। हाँ, अगर ब्रिक्स बन जाता है, लोकल करेंसी में ट्रेड शुरू हो जाता है आपस में ब्रिक्स नेशंस का, जिसमें समय लगेगा, तो शायद कुछ सोचा जा सकता है लोकल करेंसी में। लेकिन ये है कि ये लंबी बातें, समय लगेगा इसमें। अभी तो पेपर पे है ये सारी चीजें, प्लानिंग स्टेज में है ब्रिक्स।
और कोशिश कर रहे हैं वो लोग करने की, लेकिन ये कि तो जब तक कि एक तो खाड़ी के और दूसरे देश जुड़े जैसे ओमान खास तौर से, तब ये थोड़ा वाइबल हो सकता है। दूसरी बात ये भी है कि अंडर वाटर जो रूट होता है वो बहुत एक्सपेंसिव होता है, तो इसकी कॉस्ट भी बहुत बढ़ जाएगी लाने के लिए। एनीवे, लेकिन ये है कि ओवरऑल बहुत सस्ता पड़ता है। फिर उसके बाद ये भी है कि वो इसकी प्राइस डिस्टेंस बहुत ज़्यादा नहीं है ईरान से, लेकिन ये है कि कॉस्ट बहुत आ रही है, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज का कॉस्ट बच जाती है और प्राइस भी कम हो जाती है इस तरह लाने में। फिर उसके अलावा वहाँ के हालात भी ठीक नहीं है, जिस तरह जो खाड़ी का क्षेत्र है यानी पर्शियन गल्फ का जो पूरा रीजन है, डर लगा हुआ है सबको कि कब वॉर हो जाएगी, ईरान पे कब अटैक हो जाए या ईरान कब इसराइल पे अटैक कर देगा, इस तरह के खतरे बने हुए हैं। तो इस समय तो कोई खाड़ी के देश में भी इन्वेस्ट करने पर राजी, कोई कंपनी या कोई इन्वेस्टमेंट फर्म या कोई बैंक। ईरान ने यह केस इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ले जाने की धमकी दी है। क्या ईरान वाकई ऐसा करेगा या वो महज धमकी दे रहा है? और अगर ऐसा हुआ तो क्या दोनों देशों के रिश्ते खराब हो जाएंगे? ईरान, अगर ईरान को पिछले काफी दिनों से पाकिस्तान बहुत सता रहा है, आए दिन वहां पे मिलिटेंट एक्टिविटी भी रहती है ईरान में, पर मिलिटेंट वो ज्यादातर मिलिटेंट ग्रुप्स जितने हैं उनका बेस पाकिस्तान। तो मैं समझता हूँ कि आर्बिट्रेशन से पाकिस्तान थोड़ा कंट्रोल में आ सकता है, और दूसरी बात ये कि उनका काफी पैसा खर्च हुआ है इस पाइपलाइन को वहां तक लाने के लिए ईरान के बॉर्डर तक। तय ये हुआ था कि अपनी अपनी कंट्री में सब पाइपलाइन बिछाएंगे, लेकिन ये है कि उन्हीं ने प्लान शुरू करवाया, फिर उसके बाद बीच में उसको उससे मुकर गए हैं, तो अब ईरान को पूरा हक है आर्बिट्रेशन में जाने का, और इनसे डिमांड तो करनी चाहिए। इस तरीके से आप बीच में किसी भी प्रोजेक्ट को नहीं छोड़ सकते, अगर आपकी हैसियत नहीं थी तो आपको जाना नहीं चाहिए था, और अब तो हालात इतने बुरे हैं कि इनको इंटरनल क्राइसिस भी है, फिर उसके बाद और दूसरे प्रॉब्लम्स भी पाकिस्तान के सामने, इकोनॉमिकल आए दिन स्टेट वर्चुअली देखा जाए तो धीरे धीरे कोलैप्स हो रही है, फेल तो हो ही चुकी है अब सेसेशनिस्ट मूवमेंट भी बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा और दूसरी जगहों पर फैल रहे, आतंकवाद भी फैल रहा है, तो कंट्रोल कंट्रोल से बाहर हो जाता है। फिर पाकिस्तान भी आतंकवाद का बढ़ावा करता है, पाकिस्तान भी दूसरे मुल्कों में आतंकवादी संगठनों का इस्तेमाल करता है, तो ये ऐसी राजनीति बहुत समय तक नहीं चलती, पाकिस्तान अपनी ही राजनीति का एक शिकार हो गया है। पाकिस्तान अमेरिका के प्रतिबंधों से डरता क्यों है? अगर अमेरिका प्रतिबंध लगा देगा तो होगा क्या? भाई अगर पाकिस्तान के ऊपर अमेरिका प्रतिबंध लगा देगा तो वो इंटरनेशनल फाइनेंस से जो इंटरनेशनल बैंकिंग से भी बाहर हो जाएगा, स्विफ्ट से बाहर हो जाएगा, कोई देश उससे व्यापार न करेगा और न वहां से कोई चीज इंपोर्ट करेगा न कोई एक्सपोर्ट करेगा पाकिस्तान को, जो उनकी इकोनॉमी है वो बिल्कुल कुछ ही दिनों में कोलैप्स हो जाएगी। ऐसे ही उनके पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बहुत कम है और वो काफी हद तक निर्भर है इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड में। अमेरिका इस तरह की धमकी देता है और फोर्स करता है, फिर अमेरिका दरअसल पाकिस्तान से चाहता है कि पाकिस्तान जो है उसका जो हित है इस साउथ एशिया क्षेत्र में उसको आगे बढ़ाए, लेकिन पाकिस्तान ने हमेशा से अमेरिकन इंटरेस्ट या पश्चिमी देशों के इंटरेस्ट को आगे बढ़ाया, उनके लिए काम किया पूरी, उनसे उसको बहुत फायदा भी हुआ, लेकिन अब चाइना का की तरफ उसका धीरे धीरे रुझान हो रहा है और चाइना के इंटरेस्ट को तो अमेरिका ये कभी नहीं बर्दाश्त करेगा, ना अमेरिका ना पश्चिम के दूसरे देश के पाकिस्तान पूरी तरीके से चाइनीज के साथ जुड़ जाए और अमेरिकन इंटरेस्ट के खिलाफ ही काम करे, तो ये एक्सेप्टेबल उनको नहीं।
तो ये था आज का दुनियादारी। उम्मीद है कि आपको सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। आप क्या राय रखते हैं हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आज के दुनियादारी की स्क्रिप्ट लिखी थी मेरे साथी साजिद और अंकुर ने। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप लल्लन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया।